हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने टिकटॉक का यूज़र नेम चेंज कर सकते हैं। बार दफ़ा ऐसा होता है जब हम पहली दफ़ा अपने टिकटॉक का अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ जो नाम आता है हम उस पर ओके कर देते हैं, और उसके बाद हम जब भी किसी को अपनी टिकटॉक आईडी बताते हैं तो हमारा जो टिकटॉक अकाउंट है वो सर्चिंग में भी नहीं आता, जिससे हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो किस तरह इस मसले को सॉल्व कर सकते हैं आप, तो इसी वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो उसके लिए तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने टिकटॉक पे। टिकटॉक को सबसे पहले ओपन कर लेना है। टिकटॉक को ओपन करने के बाद आपको आ जाना है प्रोफाइल में। प्रोफाइल पे आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है एडिट प्रोफाइल के नाम से, इसको ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको यूज़र नेम यहाँ पे आपको लिखा हुआ आ रहा होगा, तो यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ देख सकते हैं इस यूज़र नेम को हम चेंज करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे आपको इसको काट देना है। यहाँ पे मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ देख सकते हैं टिक का निशान आ रहा है, इसका मतलब कि ये आप इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कोई भी नेम सर्च करूँगा, मिसाल के तौर पे मुझे ये नाम रखना है नुमान टेक्नो। तो यहाँ पे मैंने जैसे स्पेस दिया तो यहाँ पे बोल रहा है भाई ये नाम यहाँ पर आप नहीं रखते। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने स्पेस जैसे हटाया तो यहाँ पर साइन आ गया कि ये नाम सही है, इस तरीके के नाम आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली मैंने अपना नुमान टेक्नो नाम रखा तो यहाँ पे टिक आ गया ओके का। अब यहाँ पे मैं आगे नाम चेंज करूँगा तो यहाँ पे थोड़ा सर्च करेगा, ये भी हम रख सकते हैं। उसके बाद दोबारा नंबर में सर्च करता हूँ, ये भी रख सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर आपको वो नाम डालना है जो कि यूनिक हो, इससे पहले किसी ने रखा नहीं हो। तो यहाँ पर मैं स्पेस डालता हूँ, आपको यूनिक नाम रख के दिखाता हूँ। यूनिक तो मैं डाल रहा हूँ जब भी वो टिक का निशान आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे मैं एक ऐसा नाम लिखूँगा जो कि ऑलरेडी होगा किसी का। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जैसे नुमान अहमद यहाँ पे किया, उसके बाद यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ रहा है कि ये नाम ऑलरेडी किसी ने रखा हुआ है। तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि आपका नाम ऐसा हो, यूनिक हो जो कि किसी ने अभी तक नहीं रखा हो। तो यहाँ पे सिंपली मैं अपना वही नाम लिख देता हूँ अपने चैनल वाला नुमान टेक्नो। उसको लिखने के बाद मैं सिंपली इस पर यहाँ पे सेव के बटन में क्लिक करके इसको सेव कर दूँगा। तो यहाँ देख सकते हैं आपको बोला यू कैन चेंज योर यूज़र नेम वंस एवरी 13 डे, यानी 30 दिन में हम एक दफ़ा सिर्फ अपना नाम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसके बाद हम सेट यूज़र नेम पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हमारा जो है प्रोफाइल नेम चेंज हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पे नुमान टेक्नो, यहाँ पे हमारा जो यूज़र नेम था वो चेंज हो चुका है सिंपली। अब हम दूसरी बार अगर हमें नाम अपना चेंज करना हो तो वो 30 दिन के बाद ही कर सकते हैं, इससे पहले हमें कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो फिर वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें ताकि हर आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुंच सके। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।